रोलिंग सर, म्यूज़िक एंड हेल्थ बिल्कुल आपस में रिलेटेड हैं। बिना म्यूज़िक के हेल्थ नहीं और हेल्थ बिना म्यूज़िक के नहीं। मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि म्यूज़िक जहाँ पर है वहाँ पर हेल्थ आएगी, बिकॉज म्यूज़िक एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का रिलैक्सेशन है, एक उसके अंदर में प्राणायाम भी है, योग भी है, उसके अंदर में सब प्रकार की मेडिटेशन की चीज़ें हैं। अगर मैं म्यूज़िक को लेके चलूँ तो म्यूज़िक में क्या है, सबसे पहले म्यूज़िक के अंदर में है वर्ड्स, या तो वॉवल्स होंगे या कंसोनेंट्स होंगे। याद रखिए, जब भी आपके शरीर में चोट लगती है तो जो आवाज़ निकलती है वो वॉवल है, आ उ ई ए आउच। वॉवल चैंटिंग से शरीर में इंटरलुकिन 2 पैदा होता है, जो मेरे शरीर में दर्द निवारक दवाइयों का काम करता है, एस्प्रिन जैसी दवाई पैदा होती है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं रोता हूँ, जब मैं रोता हूँ तो जो आवाज़ निकलती है मेरी वो है नेजल कंसोनेंट्स, नासिक व्यंजन, म न ग ण ण। देखिए, म हम न ग ण ये सारी आवाज़ें कौन सी हैं, नेजल कंसोनेंट। जब मैं सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं रो रहा हूँ। और इन आवाज़ों से मेरी ईईजी के अंदर में डेल्टा एक्टिविटी आती है, जो कि ये दर्शाती है कि मेरी बॉडी में ट्रांकुलाइजर्स पैदा हो गए हैं, जैसे कि कॉम्पोज की दवाई है। सो, अगर मैं चैंटिंग करूँ एक वॉवल की जैसे कि ओ, और चैंटिंग करूँ नेजल कंसोनेंट की जैसे कि म, तो मिल गया ओम। एंड नाउ यू कैन से कि ओम चैंटिंग से मेरे शरीर में फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग दोनों होती है। तो इसलिए एक वर्ड्स जो हैं, इसी तरीके से हमारी माइथोलॉजी में कुछ वर्ड्स हैं, ल ल वर्ड से फियर से रिलेटेड है, व व रिलेटेड है अटैचमेंट से, र रिलेटेड है डाउट से, य रिलेटेड है लव से, ह रिलेटेड है ट्रुथफुलनेस से, ओ रिलेटेड है नॉन जजमेंटल से। यानी कि हर वर्ड, कौन सा वर्ड आप बोल रहे हो उस वर्ड से आपकी हीलिंग होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ म्यूज़िक के अंदर में, क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। दूसरा हमें ये देखना है कि उस वर्ड्स को आप कैसे बोल रहे हो, यानी कि उससे आपकी सांस की गति कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक मंत्र बोलना है, मान लीजिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, अगर मैं एक ही सांस में ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलता हूँ, तो जब तक मैंने ये मंत्र ख़त्म नहीं किया, मैंने सांस की नेक्स्ट सांस नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी सांस की गति कम हो गई। याद रखिए, जब आप परेशान होते हैं सांस की गति बढ़ जाती है, जब आप रिलैक्स होते हैं सांस की गति कम हो जाती है। उल्टा भी ट्रू होगा, जब आप सांस की गति कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स कर जाएंगे। तो ये दूसरा है कि गाने के अंदर में आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तीसरा, जो साउंड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वाइब्रेटरी साउंड है कि नहीं है। म न ग ण न, ये वाइब्रेटरी साउंड्स हैं। जब मैं इनको वाइब्रेशन करूँगा तो मेरे शरीर के अंदर में वाइब्रेशंस आएंगी, मेरी बोन्स वाइब्रेट करेंगी, मेरी प्लेक्सिस वाइब्रेट करेंगे, मेरे गैंग्लियाँ वाइब्रेट करेंगे, मेरी एंडोक्रीन ग्लैंड्स वाइब्रेट करेंगी, और माइथोलॉजी के अनुसार में, योगिक साइंस के अनुसार में, ये मेरी बॉडी के अंदर में हीलिंग पैदा करती हैं। चौथा, भाव। जब आप कोई गाना गा रहे हो, म्यूज़िक दे रहे हो, जो सुनने वाला है अगर वो भी उसके अंदर में अब्सॉर्ब्ड है, तो जो चेंजेस गायक में आ रहे हैं वो लिसनर में भी आएंगे। सो लिसनिंग कैन ऑल्सो बी ए मेडिटेशन। तो उनका उसी तरह में जैसे एक गाना गाने वाले की सांस की गति कम ज़्यादा हो रही है, सुनने वाले की गति भी कम ज़्यादा हो रही है, इससे आप पैरासिम्पथेटिक स्टेज में जाके हीलिंग स्टेज में हो सकता है। लास्ट, जब आप गाना गाते हो और आप मल्टीपल जैसे चैंटिंग कर रहे हो ग्रुप के अंदर में, तो ओवरटोन चैंटिंग होती है। तो ओवरटोन चैंटिंग का मतलब है जो तीसरी आवाज़ निकलती है ओवरटोन के अंदर में, वो भी आपको हीलिंग कर सकती है। कहते हैं अगर एक सोसाइटी में 1% लोग, 1% लोग मेडिटेशन करें, ग्रुप चैंटिंग करें, तो 99% लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये नहीं है कि आप किस मूड से वहाँ जा रहे हो, आप एक मंत्र को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, गाने को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप एक गाने को समझ पा रहे हो, उसके साथ में खोए हुए हो, देन इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं तो भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। सो म्यूज़िक इज़ ए साइंस, enjoy it, 20 minutes of music in the morning and 20 minutes of the music in the evening with or without dance can help you in healing. Thank you.